वेलकम। आज का इकोनॉमी का क्वेश्चन क्या है? आज का इकोनॉमी का क्वेश्चन है हमारा IMF बेल आउट के ऊपर। क्वेश्चन कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग IMF बेल आउट्स। अब IMF बेल आउट्स के रिलेटेड, सो कंट्री सीक IMF बेल आउट व्हेन दे आर फेसिंग मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, करेंसी क्राइसिस एंड नीड असिस्टेंट टू मीट एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, IMF bailout include only in the form of loans and the countries have to pay them back. Third, conditions laid down for a country seeking financial assistance from the IMF could include structural reforms, fiscal transparency, tax reforms and reforms in the state-owned enterprises. Which of these are correct? IMF ka basically kaam bailout ka hi hai. International Monetary Fund jo isi liye bana ki wo jo duniya bhar mein jo desh hain, jo uske members hain, agar wo kisi tarike ki एक्सटर्नल डेट क्राइसिस में है, BOP क्राइसिस में है, अगर वो उसमें ट्रैप हो जाए तो किस तरीके से वो निकाले, वो बेल आउट पैकेज देता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि क्या दे रहा है ये, कंट्री सीकिंग द IMF बेल आउट व्हेन दे आर फेसिंग मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। IMF बेल आउट इंक्लूड्स लेंडिंग ओनली इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड द कंट्रीज हैव टू पे देम बैक, कंट्रीज हैव टू पे देम बैक ऑफकोर्स, बट इट इज़ नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश बॉन्ड्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक परचेजेस। ये मल्टीपल फॉर्मेट में होता है, ये सिर्फ लोन के, देखो ओनली, सर नॉट ट्रू, वहां पे कैच है, ओनली इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, नो इट इज नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, दैट्स ट्रू, बट ओनली इन द फॉर्म ऑफ लोन इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक परचेजेस भी होती हैं। सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वो इनकरेक्ट है। तीसरा, the conditions laid down for a country's seeking financial assistance from IMF include structural reforms. So, क्या होता है, जब भी कोई कंट्री IMF के पास बेल आउट पैकेज लेने के लिए जाती है तो IMF कहता है भैया हम दे देंगे, तुमने वैसे ही अपनी स्ट्रक्चर बिगाड़ रखा है, अपनी इकनॉमी बिगाड़ रखी है, तुम फिर इस पैसे को ले जाओगे और फिर इसे खर्च कर दोगे, फिर इसे डुबा दोगे, तो अगर आप चाहते हो कि हम आपकी मदद करें तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ अपने सिस्टम में, अपने स्ट्रक्चर में, अपने रिफॉर्म्स में, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत होगी, और वो आपको मैंडेटरी है, तभी हम आपको लोन देंगे, तभी जो है IMF मदद करता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाउ मेनी, सर टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। ईजी क्वेश्चन था, स्टेटमेंट्स बड़े करके डराया जा रहा था, डरने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत काम और कंपोज होकर देने हैं, दे विल सॉल्व। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़